महाभारत की कहानियों के बारे में कितनी ज्यादा ही बात क्यों ना कर ली जाए, लेकिन जितनी बार आप इसे समझने का प्रयास करेंगे उतनी ही बार एक अलग कहानी आपके समक्ष जरूर आ जाएगी। जी हाँ, अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की सबसे अहम पात्र यानी कि द्रौपदी के बारे में, या यूं कह लीजिए कि जिसकी वजह से पूरा महाभारत रचा गया था। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में, कुछ ऐसे अनसुने किस्सों के बारे में जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा हम सभी को जानकारी है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कई कथाओं को पढ़कर ये पता लगाया जा सकता है कि द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्रेम नहीं दे पाए क्योंकि वो तो कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के 12वें साल के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने शीघ्र ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां आ गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये बताया कि जिस फल को तुमने तोड़ा है, इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब द्रौपदी ने तो फल तोड़ लिया था, यानी कि पांडव साधु के कोप का शिकार होने ही वाले थे। आपत्ति को आता देख पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। श्री कृष्ण ने तब ये बताया था, अगर इस आपत्ति से बचना चाहते हो तो इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जा जाकर एक सत्य वचन बोलना है जो शायद किसी को ना पता हो। कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे रहस्य यहाँ पर खोलने हैं। अगर हर कोई ऐसा करने में सफल होगा, तभी जाकर ये फल ऊपर फिर से पेड़ पर लग जाएगा और निश्चित ही पांडव और द्रौपदी साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने बड़े भाई युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में ईमानदारी, सत्य और सहिष्णुता का प्रसार होना जरूरी है, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से कुछ ऊपर जाकर लग गया। इस प्रकार आगे चलकर सभी भाइयों की बारी आई और सभी भाइयों ने अपने जीवन के सत्य खोल दिए वहां पर। और अंत में बात आई द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने 5 पतियों का दुर्भाग्य का कारण हूँ। शिक्षित होने के बावजूद भी मैंने बिना विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी अवश्य कोई रहस्य छुपा रही है। द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6ठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मेरा विवाह उससे नहीं हो पाया, जिसका मुझे पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख आज नहीं झेलने पड़ते, तब शायद मुझे इस तरह से ना रहना पड़ता। ये सब सुनकर 5 पांडव चकित रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। घटना के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद भी वो अपने पत्नी की जरूरत के समय रक्षा नहीं कर पाए। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उनके साथ नहीं थे। ये द्रौपदी के जीवन का एक ऐसा किस्सा था, एक ऐसी कहानी थी जिसे हर कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।